अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और आज मैं दोस्तों आपको दिखाने वाला हूँ कि सऊदी अरब में दोपहर में लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर। तो आइए इंशाल्लाह दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी सुबह के 9 बजे हैं और अभी देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप निकल रही है यहाँ पर। यहाँ पर ऐसे ही हमेशा मक्के में तो बहुत ही तेज़ धूप रहती है हमेशा, इसीलिए ये सब अंदर रहते हैं। जो असर की नमाज़ होती है तब उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर पूरी रात जागते हैं, फिर फजर तक फजर की नमाज़ पढ़ के फिर सो जाते हैं। ये सऊदी अरब के दोस्तों घर हैं, एकदम सुनसान गलियां, गाड़ी। यहाँ पे आपको इंसान दिखाई ना देगा जितनी गाड़ियाँ दिखाई देंगी। इंसान अंदर सोते हैं आराम से, मौज लेते हैं ज़िंदगी के। दोस्तों ये है सामने मेरे कपिल का घर, ये सामने जो है इसी में मैं रहता हूँ। वो जो साइड में गेट लगा है उसी के अंदर मेरा रूम है दोस्तों। और जो घर के सामने जितनी भी गाड़ियाँ हैं, 5-6 गाड़ियां हैं, सब मेरे कपिल की गाड़ियां हैं दोस्तों। ये मेरे कपिल की गाड़ी है, ये मेरे कपिल की लड़की की गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है जो मैं चलाता हूँ। है ये भी कपिल की, लेकिन इस पर बस नाम लिख जाता है हमारा जितने दिन यहाँ रहते हैं। ये मेरे कपिल की गाड़ी है। और दोस्तों जितने भी ये पेड़ पौधे हैं सब मेरे हाथ के लगे हुए हैं दोस्तों। और इस पे तो खजूर भी आ गई माशाल्लाह। ये खजूर देख सकते हैं 2-4 दिन में पक जाएगी इंशाल्लाह। कांटे बहुत लंबे लंबे कांटे हैं इसके अंदर। यह है खजूर, इंशाल्लाह पकने वाली है ये 2-4 दिन में, तब खाएंगे इंशाल्लाह, आपको भी खिलवाएंगे। ये मेरे कपिल के घर का गेट है और ये सब मेरा काम इतना ही रहता है दोस्तों, बस इसमें पेड़ में पानी डालना पेड़ों के अंदर, और इन गाड़ियों को हफ्ते में महीने में धो दो बस पूरा दिन। ये मेरा रूम है इसके अंदर और लेटा। ये तुलसी के पेड़ हैं ये दोस्त देख सकते हैं, ये तुलसी के पेड़ भी मैंने ही लगाए थे लॉकडाउन में, अरबी में इनको बोलते हैं रेहान, इन पेड़ों को बोलते हैं दोस्त, तो पेड़ों को बोलते हैं अरबी में सजर। और ये फिर हमारा रूम आ गया, ये है दोस्तों मेरा रूम। आइए आज आपको अपना रूम भी दिखाता हूँ अंदर से। ये मेरा रूम है, ये एक इंसान की शक्ल में ये एक गुड्डा बैठा है, ये हमेशा टाई वेल्ट लगा के ऐसे ही बैठा रहता है, दिल लेकर हाथ में, इसका दिल कोई ना ले रहा बेचारे का। ये मेरा बेड है और ये सारा मेरा रूम ही है। इधर जानवाज है नमाज पढ़ने के लिए, सोफ़ा है, एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये साइकिल है आराम से फिटनेस के लिए, लेकिन हमने कभी चलाई ना ये फिटनेस के लिए। और ये हैं दोस्तों हम खुद तुमने देखा ही है।